Well, hello, namaste, and a very good afternoon to everyone present over here. मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के हमारे नए प्रोडक्ट लॉन्च की प्रेजेंटेशन में, जो है एटमी 100% प्योर स्पाइरुलिना. सो आप सभी ने हमारी स्क्रिप्ट में देखा कि स्पाइरुलिना को एस्ट्रोनॉट्स भी अपने स्पेस मिशन पे ले जा सकते हैं. क्यों? बिकॉज ऑफ इट्स हेल्थ बेनिफिट्स. और स्पिरुलिना जो है हमारे अर्थ पे, जब से हमारी अर्थ बनी है, स्टार्टिंग से ही प्रेजेंट है. ये एक एल्गे है जो हमारे फोटोसिंथेसिस के थ्रू एक प्लांट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म है. प्लस ये तालाब की गहराइयों से लेके स्पेस तक सब जगह इसके यूज किया जा रहा है. सो स्पेशली बहुत सारे रिसर्चर्स ने जब अर्थ की फॉर्मेशन को स्टडी किया तो उन्हें पता लगा कि जब अर्थ बनी थी और उसके बाद धीरे धीरे जब ऑक्सीजन बना था तो स्पिरुलिना का भी रोल उसमें रहा है, अर्थ में ऑक्सीजन को डेवलप करने में. सो यू कैन अंडरस्टैंड इट इज एनवायरमेंटल फ्रेंडली ऑल्सो, राइट? प्लस ये सिर्फ अभी नहीं, ये प्राचीन समय से, काफी एंशियंट हिस्ट्री से हमारे ह्यूमन सिविलाइजेशन के फूड का एक पार्ट रहा है. 9th सेंचुरी में एस्टिक सिविलाइजेशन जो थी उसने सबसे पहले इसकी फार्मिंग स्टार्ट की और इसको अपने खाने के रेगुलर लंच एंड डिनर में यूज किया और उन्होंने इसके काफी सारे बेनिफिट्स देखे, हेल्थ बेनिफिट्स, जो कि आज की साइंस भी प्रूव करती है कि स्पिरुलिना के बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स है बिकॉज ऑफ इट्स न्यूट्रिशियस प्रोफाइल. और अभी रिसेंट कुछ ईयर्स से स्पिरुलिना फिर से बहुत सारी चर्चा में आ गया है. सो ये स्पिरुलिना है क्या? वेल, स्पिरुलिना का जो साइंटिफिक नेम है दैट इज आर्थ्रोस्पाइरा टेटेंसिस. ये स्पिरुलिना की स्पीसीज का नाम है एंड ये एक फ्रेश वाटर ब्लू ग्रीन एल्गे है जो स्पेशली हमारे एनवायरमेंट में ग्रो किया जा सकता है. सो स्पिरुलिना जो फ्रेश वाटर एल्गे है, ये एक सिंगल सेल माइक्रो एल्ग है जिसे ब्लू ग्रीन एल्गे या साइनोबैक्टीरिया की स्पीसीज का एक पार्ट है. और इसे ग्रो करने के लिए फ्रेश वाटर का जरूरत होती है और बेसिकली ये हमारे जो ट्रॉपिकल जोन है, जो ट्रॉपिकल जोन वाली कंट्रीज मीन्स इक्वेटर के आसपास वाली जो कंट्रीज होती है, वहां ये आसानी से नेचुरली प्रोड्यूस होता है और इसे ग्रोथ के लिए बहुत सारी सनलाइट की जरूरत होती है. और एल्गे एक तरह का प्लांट किंगडम से एसोसिएटेड ऑर्गेनिज्म है जो फोटोसिंथेसिस को यूज करके, सनलाइट को यूज करके फूड बनाता है, यानी कि न्यूट्रिशन, प्रोटीन और काफी सारे न्यूट्रिएंट्स बनाता है. सो इसी के साथ साथ ये एक जो फ्रेश वाटर है इसमें एक पर्टिकुलर पीएच की जरूरत होती है, यानी कि एक एल्कलाइन पीएच की जरूरत होती है जिसमें, यानी कि 9-11 पीएच के लगभग. और ट्रॉपिकल जोन में ये उगता है, वहां का टेम्परेचर भी 30-39 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है जो इसकी ग्रोथ के लिए बहुत ही ज्यादा ऑप्टिमम है. ये तो इसकी नेचुरल डेवलपमेंट की बात हुई, राइट? और इसके साथ साथ ये यूज करता है एनवायरमेंट की जो ग्रीन हाउसेस गैसेस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, उसको यूटिलाइज करके प्रोटीन और न्यूट्रिएंट्स बनाता है और उस कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में भी कन्वर्ट करता है. तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये एक तरह से एनवायरमेंटल फ्रेंडली है इसका कल्चर करना, इसकी फार्मिंग करना. सो ना सिर्फ ये हमारे लिए बेनिफिशियल है बट ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी है, क्योंकि कई सारे ऐसे प्रोटीन प्रोडक्ट्स हैं जिनको ग्रो करने के लिए काफी सारा बाई प्रोडक्ट्स होते हैं जो हमारे एनवायरमेंट को हार्म पहुंचाते हैं, बट स्पिरुलिना के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. ये एक इको फ्रेंडली कल्टीवेशन है. अब इसके इतने सारे बेनिफिट्स तो हमने देख लिए. सो इसकी हाई प्रोफाइल जो कंटेंट है प्रोटीन का, ये प्लांट बेस्ड प्रोटीन कंटेंट है और अब तक के जितने भी प्लांट प्रोटीन्स हमें अवेलेबल होते हैं उसमें सबसे ज्यादा स्पिरुलिना का प्रोटीन कंटेंट हाई होता है. इसी वजह से जो यूएन वाली कंट्रीज हैं, यूनाइटेड नेशंस हैं, उन्होंने स्पिरुलिना को एज अ डायटरी सप्लीमेंट प्रमोट करने के लिए रिकमेंड किया है बिकॉज ये
हमारी जो मैलनरिश्ड कंट्रीज हैं, स्पेशली जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं जहाँ खाने पीने की उतनी अवेलेबिलिटी नहीं होती, वहां ये स्पिरुलिना हाई प्रोटीन फूड प्रोवाइड करता है उन लोगों के लिए। और साथ ही साथ ऑब्वियसली आपने स्किट में तो हमारे इसकी झलक देख ली, नासा ने भी जो स्पेस मिशन पे एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं उनके लिए नंबर वन चॉइस है स्पिरुलिना। क्यों? बिकॉज जब स्पेस में जाते हैं वहां न्यूट्रिशन कुछ अवेलेबल नहीं होता, और जो एस्ट्रोनॉट्स है उनका सोल सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है जो वो यहीं से लेके जाते हैं, एंड उनको वहां जाते वक्त बहुत कम अमाउंट में चीजें कैरी करनी होती है, राइट? तो स्पिरुलिना जो है वो बहुत ही कम अमाउंट में, यानी कि कैप्सूल्स या किसी भी फॉर्म में, बहुत हाईली पैक्ड अप न्यूट्रिएंट्स होते हैं इसमें, प्रोटीन्स और विटामिन्स और मिनरल्स, सो कम जगह पे सुपर न्यूट्रिशियस प्रोफाइल है इसकी। सो इसी वजह से नासा इसे एज ए सुपर फूड कंसिडर करके एस्ट्रोनॉट के साथ रिकमेंड किया है। और साथ ही साथ जो हमारे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, उसने तो इसे फूड ऑफ द फ्यूचर ही बता डाला है। सो इतने सारे जो बेनिफिट्स हैं स्पिरुलिना के, तो हम इसके फीचर्स के बारे में भी चलिए जानते हैं। सो स्पिरुलिना के फीचर्स की अगर हम बात करें तो इसमें ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी और ब्रेन की हेल्थ को सपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। और साथ ही साथ इसमें जो स्पिरुलिना का टोटल कंटेंट है वो मोर देन 50-70% प्रोटीन का बना होता है, दैट इज इट इज हाईली पैक्ड विद प्रोटीन। प्लस साथ ही साथ स्पिरुलिना की जो सेल वॉल होती है, लाइक यू नो जो हमारे सेल्स है उसके बाहर की जो है आउटर कवरिंग होती है वो सेल वॉल बोलते हैं एल्गे के केस में, वो पैक्टिन की बनी होती है, दैट इज पैक्टिन सेल वॉल। ये पैक्टिन सेल वॉल सॉल्युबल फाइबर के जो बॉडी में जाके इजीली डाइजेस्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से स्पिरुलिना के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल है वो इजीली रिलीज हो जाते हैं और हमारी बॉडी उसे एब्सॉर्ब कर पाती है, जिसकी वजह से स्पिरुलिना का जो डाइजेशन रेट है दैट इज 95% ऑफ हाई डाइजेस्टिबल रेट है, अवेलेबल। क्योंकि हम जो फूड खाते हैं उसमें जरूरी नहीं है जो इतना हमने खाया वो सारे न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हो पाए, बट स्पिरुलिना बीइंग हाईली डाइजेस्टिबल इसके सारे न्यूट्रिएंट्स इजीली बॉडी में अवेलेबल हो पाते हैं। प्लस ये काफी हाई एंटीऑक्सीडेंट्स से भरा हुआ है और इसमें ऑलमोस्ट 60 डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स है, यानी कि मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, एग्जाम्पल प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, सॉल्युबल फाइबर्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स, ये सब कंबाइन करके काफी हाई अमाउंट में होते हैं। प्रिसाइसली अगर हम बात करें तो इसमें 18 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स हैं, 14 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैटी एसिड्स हैं, 13 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स हैं, 12 डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन्स हैं एंड 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स प्रेजेंट हैं। अब इतने सारा हाई न्यूट्रिशियस प्रोफाइल है तो हेल्थ बेनिफिट्स भी ऑब्वियसली होंगे, राइट? सो हम इसके हेल्थ बेनिफिट्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले ये हाईली न्यूट्रिशियस है, यानी कि फुल ऑफ न्यूट्रिशन है, जिसकी वजह से ये माल नरिशमेंट को दूर करने में हेल्प करता है, यानी कि जो कुपोषण होता है उसे खत्म करने में हेल्प करता है। साथ ही साथ इसमें हाई एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, यानी कि हाई एंटीऑक्सीडेंट्स होने की वजह से ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को रिड्यूस करता है, हमारी बॉडी में जो फ्री रेडिकल्स बनते हैं उसको खत्म करता है। प्लस ये इजी टू डाइजेस्ट है, यानी कि ये हमारी गट हेल्थ को भी सपोर्ट करेगा। इसमें सॉल्युबल फाइबर्स है और सॉल्युबल फाइबर्स हमारे गट के जो माइक्रोबायोटा है उसके लिए बहुत जरूरी है, उसकी हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है, तो ऑब्वियसली ये उसे भी सपोर्ट करता है। प्लस इसकी एक और स्पेशलिटी है, दैट इज एल्कलाइजिंग इफेक्ट। एल्कलाइजिंग इफेक्ट का मतलब है कि ये हमारे बॉडी में डिटॉक्स करने में हेल्प करता है,
यानी कि हमारे लिवर में जो टॉक्सिन्स बनते हैं वो रिमूव करने में हेल्प करता है. सो इट हैज अ लिवर सपोर्टिव हेल्थ ऑल्सो. नेक्स्ट, ये हाईली इंफ्लेमेटरी है, एंटी इंफ्लेमेटरी है. मीन्स हमें सीजनल एलर्जीज होती हैं और डिफरेंट प्रॉब्लम्स होती हैं सीजन चेंज होने में, तो उसमें भी हेल्प करता है. तो इनफैक्ट यू कैन से एक तरह का इम्यून सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है. नेक्स्ट, कुछ स्टडीज में देखा गया है कि सीरम कोलेस्ट्रॉल के लेवल को भी कम करता है, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो इजीली होता है एंड इवेंचुअली ये हमारी हार्ट हेल्थ को भी सपोर्ट करता है. प्लस न्यूट्रिशन की हमने बात की, तो इसमें बीटा कैरोटीन भी है, हाई कंटेंट. अब ये बीटा कैरोटीन क्या है? बीटा कैरोटीन एक प्रो वाइटामिन ए है. प्रो वाइटामिन ए का मतलब जब हम बॉडी कंज्यूम करती है इसे, ये हमारी बॉडी में जाके वाइटामिन ए बनाता है. एंड वाइटामिन ए की इम्पोर्टेंस है, ये हमारे अच्छे आईसाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. सो स्पिरुलिना इज ऑल्सो सपोर्टिंग इन आवर आई हेल्थ. सो इतने सारे हमने बेनिफिट्स इसके डिस्कस कर लिए, राइट? सो अब हमें इसे यूटिलाइज भी करना चाहिए. सो एटमी इज इंट्रोड्यूसिंग 100% प्योर स्पिरुलिना एज ए न्यूट्रिशनल. एंड ईच बॉटल ऑफ स्पिरुलिना एज सर हैज ऑलरेडी टोल्ड कंटेन 60 कैप्सूल्स, यानी कि स्मॉल पैक, which is highly packed with all the benefits and nutrition of spirulina. So, अब हम हमारे features की highlights की बात करते हैं. So, जो एटमी 100% spirulina में more than 60% of protein content है balanced amino acids के साथ. Next, it is easy to digest with the soluble fiber which provides the readily available nutrition. Next, contains the vitamins and minerals which are required for our body. Regular day-to-day जो body में requirement होती है उसको भी fulfill करता है. Plus, natural phytopigments होते हैं जो कि as a antioxidant role play करते हैं. अब हम antioxidant की बात करें तो हमारे एटमी 100% प्योर spirulina में 3 types of powerful antioxidants हैं. फर्स्ट, फाइकोसाइनिन जो है मोर देन 6% अवेलेबल है हमारे स्पिरुलिना में. दैट इज अभी तक का सबसे ज्यादा हाई अमाउंट का ओनली स्पिरुलिना में ही अवेलेबल होता है ये फाइकोसाइनिन, जो कि एंटीऑक्सीडेंट है और ये हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन को कम करने का वर्क करता है. नेक्स्ट इज क्लोरोफिल, जो कि मोर देन 1% है. अगेन बाकी जितने भी नेचुरली अवेलेबल, यू कैन से वाइल्डली अवेलेबल स्पिरुलिना होते हैं उसमें इतना नहीं होता है, बट स्पेसिफिकली कल्चर जब किया जाता है तो इट इज मोर देन 1% क्लोरोफिल, जो कि एक सॉल्युबल फाइबर की तरह रोल प्ले करता है और हमारे बॉडी में को क्लेंस करता है, यानी कि डिटॉक्स करने में हेल्प करता है. नेक्स्ट इज द बीटा कैरोटीन. अगेन बीटा कैरोटीन एक तरह का फाइटोपिगमेंट है और एक एंटीऑक्सीडेंट है जो वाइटामिन ए बनाता है, और ये वाइटामिन ए हमारी बॉडी के अंदर सेल डैमेज को रिड्यूस करता है और साथ ही साथ हमारी आई हेल्थ को सपोर्ट करता है. सो ये इतने सारे बेनिफिट्स और इतनी सारी क्वालिटीज हैं स्पिरुलिना की, तो इस हाई न्यूट्रिशन प्रोफाइल के लिए इसकी प्योरिटी भी मेंटेन करना जरूरी है, राइट? सो प्यूरिटी मेंटेन करने के लिए इसे वाइल्डली ग्रो नहीं कराया जाता, इसे एक क्लीन, अल्ट्रा क्लीन, प्योर एनवायरमेंट में ग्रो कराया जाता है, जो कि किसी भी एग्रीकल्चरल लैंड या इंडस्ट्रियल लैंड से दूर होता है, ताकि कोई भी कंटामिनेशन हमारे प्रोडक्ट में ना हो. क्योंकि जो वाइल्डली ग्रो करने वाले स्पिरुलिना होते हैं, जो नॉर्मली एनवायरमेंट में प्रेजेंट है, वो आजकल जैसे एनवायरमेंट में पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है उसकी वजह से काफी ज्यादा पोल्यूट हो चुके होते हैं और कंटेमिनेशन होता है उनमें. इसीलिए एटमी का 100% प्योर स्पिरुलिना को अल्ट्रा प्योर क्लीन एनवायरमेंट में ग्रो कराया जाता है, ताकि ये कंटेमिनेंट फ्री हो और इसकी प्योरिटी भी मेंटेन रहे. प्लस स्पिरुलिना जो है वो एक
एल्गे है और एल्गे में एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है, बट एटमी 100% प्योर स्पिरुलिना में कोई भी ये एल्गल स्मेल नहीं है, यानी कि इट इज अ ओडर फ्री प्लांट बेस्ड कैप्सूल, यानी कि कोई फालतू की स्मेल नहीं और ये इजीली कंज्यूम किया जा सकता है। एंड कंज्यूम करने की बात आई तो इसका जो डोजेज है दैट इज 1 कैप्सूल ट्वाइस अ डे, दैट टू बी टेकन विद द मील। तो आपको 1 कैप्सूल दोपहर में खाने के साथ और रात में खाने के साथ डिनर के साथ लेना है, सिर्फ प्लेन वाटर के साथ जब आप रेगुलर वाटर खाना लेते हैं। सो दिस इज द डोजेज ऑफ एटमी 100% प्योर स्पिरुलिना। तो अगर हम हमारे पूरे प्रोडक्ट के हाइलाइट्स को समराइज करें तो एटमी 100% प्योर स्पिरुलिना में फर्स्ट इज मोर देन 1% क्लोरोफिल, सेकेंड मोर देन 6% पाइकोसाइनिन कंटेंट, थर्ड बीटा कैरेटीन अप्रॉक्स 0.15%, दैट इज हाइएस्ट अमंग द अदर अवेलेबल बीटा कैरेटीन सोर्स, एंड नेक्स्ट इज ओडर फ्री प्लांट बेस्ड कैप्सूल्स विद हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन। सो इन सभी बेनिफिट्स का आप यूज कर सकते हैं 100% प्योर स्पिरुलिना के साथ। सो आई होप अभी जल्दी जल्द से जल्दी आप सबके लिए अवेलेबल हो जाएगा, जैसे सर ने बताया जल्द लॉन्च होने वाला है, तो आप सब इसका बेनिफिट लें और इसको यूज करें एंड स्टे हेल्थी एंड बी हेल्दी।